मीडिया में अजीत अंजुम जी के साथ आप काम किए हैं, उनके समकक्ष रहे हैं, क्या कुछ उनसे कभी कंपटीशन भी रहा है आपका? मैंने ऐसा कहा जाता है नहीं कि अजीत अंजुम और आप में थोड़ी सी मतलब एक आपसी होड़ प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। नहीं अजीत जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अजीत जी से, अतुल सिन्हा जी से, नाजिम नकवी जी से और तमाम सब लोगों से मैंने तो सीखा ही है। प्रतिस्पर्धा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनके साथ निजी रिश्ते बहुत गहरे रहे, उनसे, गीता भाभी से, जिया से, उनकी बिटिया और उनके परिवार से। हम लोग जब जुड़े तो मेरी शादी नहीं हुई थी, अजीत जी शादीशुदा थे, तो मुझे तो उन्होंने एक भाई का प्रेम दिया। हमें कोई ज़्यादा उम्र का अंतर नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा एक भाई का ही प्रेम दिया, स्नेह दिया, और सीखने के लिए तो उनसे बहुत कुछ है। वो काम न्यूज के ट्वेंटी फोर प्रति, में आप लोगों के होने और वो मैंने कुछ ऐसा कुछ विवाद हुआ था उन दिनों जिसमें आपको जाना पड़ा या छोड़ना पड़ा, कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं देखिए, वो काम के प्रति इतने कट्टर हैं कि उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जितना डेडिकेशन उनका काम के प्रति है, उतना बहुत कम लोगों में हो पाता है। अब ये तो देखिए, लोग बनाते हैं इस देश में बातें, मुझे तो कभी नहीं लगा। मैं तो अभी, जब भी हमारे बहुत ही निजी रिश्ते हैं, एक व्हाट्सएप उनको भेजो, तत्काल उनका जवाब आ जाता है। तो ऐसी तो कोई बात प्रतिस्पर्धा की नहीं रही। रही बात काम की, तो वैचारिक स्वतंत्रता तो सभी को होनी चाहिए। आपका अपना पक्ष हो सकता है, मेरा अपना पक्ष हो सकता है। जब आप साथ में काम करते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक है कि हर बात को लेकर के तो सहमति नहीं हो सकती। आपने और अजीत अंजुम ने कहाँ कहाँ साथ किया, कितने दिनों तक? नहीं, मेरा एक ही बार उनके साथ काम करने का मौका मिला, BAG फिल्म में ही मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और वो बिल्कुल शुरुआती दौर में था। मैं ये बात रिकॉर्ड में कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें टीवी पत्रकारिता में मुझे उन्होंने सिखाई है, तो इस माते तो वो मेरे से, मेरे गुरु ही हुए। बिल्कुल। और अजीत अंजुम ने भी मैंने एक सैटेलाइट टीवी चैनलों की दुनिया को छोड़ के डिजिटल मीडिया में फिर से ABCD शुरू करके एक अच्छा खासा मुकाम बनाया है और लोग उनको फॉलो करते हैं। इस बात की तो मैं बहुत बड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा कि जिस अजीत अंजुम को हम लोग जानते हैं, वो अजीत अंजुम काफी शर्मीले थे। वो अजीत अंजुम कैमरे के सामने आने से कतराते थे। हमारे पास ऐसी तमाम तस्वीरें, वाकिए, यादें हैं, और उस दौर के कोई भी साथी से आप बात करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि अजीत जी कितने शाही थे, बोलने से कितना संकोच करते थे। लेकिन दो लोग हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है गजब का, एक नवजोत सिंह सिद्धू हैं और दूसरे अजीत अंजुम हैं। अजीत अंजुम जी ने जिस तरीके से डिजिटल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और खास बात यह कि जो कैमरे से उनका फ्रेंडलीनेस आज दिखता है वो अद्भुत है। कम ही लोगों ने उस तरह की कैमरे के साथ जो रिश्ता होता है वो कम ही लोग कर पाते हैं। उसमें एक बड़ा नाम अगले 50 साल तक अगर लिया जाएगा तो अजीत अंजुम जी का भी आएगा। खैर, मुझे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या कहूंगा कि दूरदर्शन के जनक माने जाने वाले कमलेश्वर, उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं उनका एकलव्य रहा, मेरे वो द्रोणाचार्य रहे, लेकिन वो वाले द्रोणाचार्य रहे जिन्होंने मुझे अंगूठे दिए, लिए कभी नहीं। और फिर विनोद तुवा जी, तो उसके बाद राजीव शुक्ला जी, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लिया जा सकता है। तो मैं तो इस मामले में अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे तमाम दिग्गजों के साथ टेलीविजन, मीडिया, फिल्मों की बारीकी सीखने समझने का मौका मिला। आप एक बनिया परिवार से हैं, मतलब बनिया परिवार के लोग आमतौर पर बिजनेस करते हैं, बहुत हुआ नौकरियां करते हैं, मीडिया में कहाँ कुछ धंधा पानी लाभ, माने बिना लाभ देखे कोई कदम उठाते नहीं है अब माने। ये देखिए, आपने चर्चा छेड़ी है, तो जब मैं पत्रकारिता में आ रहा था तो हिंदी पत्रकारिता में दो लॉबी थी, बिहारी लॉबी, भाई विनम्रता से कह रहा हूँ, कोई बिहारी मित्र इससे बुरा ना माने, बिहार से आने वाले हमारे मित्र, और गढ़वाल। अंग्रेजी पत्रकारिता में बंगाली और साउथ इंडियन। अब हम लोग उसमें तो मतलब न 3 में न 13 में न कहीं के, तो प्रेस क्लब जाए तो वहां पूछे हर आदमी। तो लोगों ने सुझाव दिया कि तुम यार मनोज रस्तोगी हटा के ना कुछ नाम मनोज मुंतशिर टाइप का, सुधीर सुधाकर, जो प्रचलित नाम है ऐसे रख लो, मीडिया में अगर सक्रिय होना है। दूसरा, लोग पूछते थे भाई तुम किसके चेले हो? मैंने कहा यार मैं तो किसी का चेला नहीं हूँ। बोले फिर तो मीडिया बहुत मुश्किल है, तुम्हें किसी का तो चेला होना पड़ेगा। उन दिनों पैर छूने का भी बड़ा प्रचलन था मीडिया में, जाते ही पंडित जी पैर छुओ। हम लोग उस दृष्टि से आए नहीं थे, थोड़ा लेफ्ट लीनिंग से प्रभावित थे, जो कि स्वाभाविक तौर से होता है। अब तो खैर किसी लीनिंग का प्रभाव नहीं है, लेकिन उस जमाने में ये बात सच है कि इप्टा का और लेफ्ट उसका प्रभाव था, दुष्यंत कुमार की कविताओं का एक अलग रोमानियत भरा हुआ था, इंडिया कॉफी हाउस में बैठना, जब मोहन जी की दुकान पे जाना, श्री राम सेंटर पे करना। तो आज तो खैर परिस्थितियां सारी बदल ही गई हैं। अब मैं मानता हूँ कि देखिए,
जिस तरीके से पूरा देश बदला, जिस तरीके से पूरी मीडिया बदली, और हमारे टाइम में मीडिया में आना एक बड़े रूढ़िवादी परिवार के लिए या किसी वैश्य समुदाय से आने वाले व्यक्ति के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अनकन्वेंशनल माना जाता था। आज तो मीडिया बड़ा ग्लैमरस प्रोफेशन है, जहाँ हाई पाई सैलरीज हैं, रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, आप पावर सेंटर माने जाते हैं। तब तो मीडिया मिशन था और मीडिया के संस्थान नहीं थे, हम लोगों के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम जाकर के मतलब मीडिया की शिक्षा ले लें। केवल एकमात्र संस्थान था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ये अपना IMCC JNU के अंदर, उससे जाकर मिलते थे, कम सीटें होती थी और उसमें भी कितने लोग जा पाते थे। आज तो हर जगह आपके पास मीडिया की शिक्षा के लिए दुकानें खुली हुई है। बिल्कुल। तो मनोज भाई, आपके स्टार्टअप को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं, सफल हो, बढ़े। हम लोग फिर कभी किसी नेक्स्ट राउंड में बात करेंगे और सारी बातों को, एक इंट्रोडक्टरी बातचीत आज हम लोगों की हुई, ताकि हमारे पाठक जाने कि जो है एग्जैक्टली जो आपका वेंचर है वो क्या है और इसके पीछे जो शख्स है उनका क्या करियर रहा है, क्या सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।